खबर बताते हैं जहां पर हिंसा की 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। कानपुर पुलिस ने जारी की है 40 संदिग्धों की तस्वीरें। बता दें कि पत्थर फेंकने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया है। कानपुर से खबर जहां पर हिंसा के दिन 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। कानपुर पुलिस ने जारी की है 40 संदिग्धों की तस्वीरें। पत्थर फेंकने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टर जारी कर लोगों से भी मदद मांगी है। कानपुर हिंसा में पत्थर फेंकने वाले 40 संदिग्धों की ये तस्वीर जारी की गई है। आपको बता दें कि जगह जगह इसके पोस्टर्स भी चस्पा किए जाएंगे। साथ ही साथ लोगों से भी पुलिस ने मदद मांगी है। 40 संदिग्धों की ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है। कानपुर में हिंसा में लिप्त 40 संदिग्धों की ये तस्वीर जारी की गई है। साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से भी मदद मांगी है कि अगर ये लोग कहीं पर नजर आते हैं तो पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए। कानपुर में हिंसा में लिप्त 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल पंडित लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, ये 40 लोगों की तस्वीर जो है वो कानपुर पुलिस ने जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं यही बताना चौकी पर खड़ा हुआ हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। 40 जी, ये जो लड़के थे इनके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये घटना के संदिग्ध 40 लोगों के यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। ये परेड चौराहे पर, चौकी के आसपास पूरे चौराहे पर जहाँ पर एक घटना हुई थी वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और जिस तरह से लगातार जो और भी घटनाएं थी, और जो भी पोस्टर लगना बाकी है, कई लोग अभी और चिन्हित किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस प्राथमिकता के आधार पर सबको जो फुटेज है उनके आधार पर ये पोस्टर छप रहे हैं। और अभी और भी लोगों के पोस्टर में जो फोटोज हैं वो आएंगे और कहीं ना कहीं उनको भी बहुत जल्दी से पुलिस और अलग अलग थानों में लगाने का काम करेगी। जी बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें तो जहां पर ये हिंसा हुई थी वहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसके अलावा और किन किन जगहों पर ये पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं? देखिए, शुरुआती दौर में ये पोस्टर जो है सिर्फ परेड चौराहे पर ही लगाए हैं। अब इसके आगे खुली चीजें बढ़ेंगी और आगे भी पोस्टर लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन एरिया में गश्त किया जा रहा था, वहां के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक मैप तैयार किया गया है कि यतीम खाने से लेके आपका परेड चौराहे तक आने के जो भी रास्ते हैं वहां पर फोर्स आ चुकी है, फोर्स गश्त कर रही है और वहां पर संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल विशाल, एक सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं ये जो लोग पोस्टर में नजर आ रहे हैं, क्या इनको लेकर इनके परिजनों से क्या पुलिस ने पूछताछ की है? साथ ही साथ क्या ये उसी जगह के रहने वाले हैं या फिर ये कहीं और भी रहते थे? बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि कई बाहर से भी कई लोग आए हैं और कई दूसरे एरिया से लोग आए हुए थे, तो उसी को देखते हुए ये पूरी चीजें की जा रही हैं। पूरे चौराहे पे 3 जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो पोस्टर के जरिए ये पोस्टर जारी किए जाएंगे। कल रात में ये उम्मीद थी कि सोशल मीडिया पे ये पोस्टर डाले जाएंगे पुलिस तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद सीधे पुलिस जो होती है, आज दोपहर में पोस्टर जारी होते हैं और सबको दिए जाते हैं। जिस तरह से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, लगभग 20 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 40 लोगों के पोस्टर वीडियोग्राफी के माध्यम से फोटो निकली थी, उसके पोस्टर जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल विशाल, हम लगातार परिजनों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है उसके परिजनों ने जिस तरीके से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की, तमाम तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई थी, उसके बाद अब इन लोगों के परिजनों का क्या कोई रिएक्शन अभी तक आया है या फिर पुलिस उनके घर जाकर किस तरीके से बातचीत कर रही है? देखिए, लगातार जब हम लोग ने परिजनों जो उनके परिजन थे उनसे बात की गई, जो बच्चे उठाए गए थे या जो लोग उठाए गए थे, तो उन लोगों को ये कहना था पुलिस द्वारा कि पुलिस सोते हुए ले आई। लेकिन आज मैं खुद एक जगह गया था, वहां पर फुटेज बकायदा सॉफ्ट कॉपीज सबके पास है, वो लगातार वो बात कर रहे हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है कि इस बिना पर आपको उठाया जा रहा है, आपके मोबाइल की लोकेशन अगर वहां मिल रही तो आपको लाया जा रहा है। तो कहीं तुरंत इजाजत से नहीं लिया, पहले उनकी उनको उससे पूछताछ की जा रही है, आप मास्क है या नहीं, फिर उनकी फोन कॉल की डिटेल मंगाई जा रही है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर में अगर विशाल ये पोस्टर्स लगाएंगे, क्या कानपुर के बाहर भी ये पोस्टर्स जारी किए गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग शहर छोड़कर शायद गए हों या कहीं और रह रहे हों, ऐसे में वो कैसे चिन्हित होंगे? क्या इसको लेकर किसी तरीके का की जानकारी साझा की गई है? ठीक है, अभी बिल्कुल इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हम कोशिश करेंगे कि ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से बात करने की कोशिश करें। यदि तो अभी बात हम करेंगे, जिस तरह से आनंद प्रकाश तिवारी ज्वाइंट सीपी है जो पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। अभी व्यस्तता ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर पेट्रोल पंप को सील किया गया, उसके बाद डीएम ने और भी पेट्रोल पंप से जांच के आदेश दिए, उसके साथ साथ एक एलसीबी भी आज पोस्टर लगाने का काम किया गया। बगल में चंद्रेश्वर हाथाही चौकी से महज 50 मीटर से दूर होगा, वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पक्ष से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। उसको जो भाजपा के नेता है अमित पासवान, उन्होंने कहा कि जो हाथे को उड़ाने की बात कही जा रही थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है। हम ज्वाइंट सिटी इंटरव्यू में मौजूद है, चौकी मौजूद है, वो बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई है वो बिल्कुल तुरंत की जा रही है, और उसे पोस्टर जारी करने की बात 2 दिन से कही जा रही थी कल, लेकिन जब मुख्य आरोपी पर पेशी पे लाया गया उसके बाद तुरंत उन्हें आज दोपहर में पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये बिल्कुल विशाल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपने ऐसे किसी परिजनों से बातचीत की है जो इस जिनके बेटे या जिनका परिवार का कोई सदस्य हिंसा में शामिल था, उसके बाद उनके परिजनों का भी क्या कुछ कहना है, कि क्या प्लानिंग प्लॉटिंग को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसा कोई भी परिजन बोलने को तैयार नहीं है और ना ही किसी से बात की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोई परिजन बोलने को तैयार नहीं है और पुलिस भी कोई कुछ देरी में जो कोई बात नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग प्लांटेड था, थैले में पत्थर आए हैं, उनको भी लेकर बात की जा रही है, और वो लोग जो है उन्हें पकड़ने की बात कही जा रही है, पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि उन्हें पकड़ा जाएगा। ठीक है विशाल, आप ज्वाइंट कमिश्नर से बात करने की कोशिश करिए, तब तक हम दर्शकों को ये पोस्टर दिखा देते हैं जो 40 लोगों का पोस्टर जारी किया है कानपुर पुलिस ने। ये वही 40 लोग हैं जो हिंसा में लिप्त थे, कानपुर हिंसा में ये 40 लोग लिप्त थे, उस वक्त वहां मौजूद थे, इनके द्वारा पत्थरबाजी बमबाजी की जा रही थी। 40 संदिग्धों की ये तस्वीर जारी की गई है, साथ ही साथ लोगों से मदद की अपील भी की है कानपुर पुलिस ने। आपको बता दें कि जगह जगह पर ये जो पोस्टर्स हैं वो लगवाए गए हैं, परे चौराहे तक ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ कानपुर पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर ये लोग उन्हें कहीं नजर आते हैं तो पुलिस को तुरंत सूचित करा जाए। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर जो है अब वो वायरल हो गया है, जगह जगह पर ये पोस्टर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ परिजनों की अगर हम बात करें इनके, तो पहले जो कुछ ऐसे भी परिजन थे जो कह रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती हमारे बच्चों को या हमारे परिजनों हमारे परिवार वालों को उठा रही है, ऐसे में कानपुर पुलिस के पास एक सॉफ्ट कॉपी भी है, वो वीडियो दिखाते हैं, उनकी शक्ल दिखाते हैं, पहचान करवाते हैं। अगर परिजन डिमांड करते हैं कि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उन्हें वीडियो भी दिखाया जा रहा है कि वीडियो में हिंसा वाले दिन ये लोग लिप्त थे या नहीं। तो लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि जो चंद्रेश्वर हाथा जैसे देख कर ये पत्थरबाजी बमबाजी की जा रही थी, उसे उड़ाने की भी धमकी मिली है। तो कानपुर हिंसा में लगातार रोज कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, चाहे आज वो पोस्टर जारी करने की बात हो या फिर जो चंद्रेश्वर हाथे को उड़ाने की धमकी दी गई, बीजेपी नेता को एक मैसेज आया था, उसको लेकर भी पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, गश्त कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोल पंप से जिस पेट्रोल डिप्टी पड़ाव के एक पेट्रोल पंप से आपको बता दें कि बोतल में भरकर पेट्रोल लाया गया था, उस पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लाना या डीजल लाना कानूनन जुर्म है, और उसी के तहत उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। कानपुर में हिंसा में लिप्त 40 संदिग्धों की ये तस्वीर आज कानपुर पुलिस ने जारी की है, साथ ही साथ लोगों से मदद भी मांगी है कि जिन्हें भी ये लोग कहीं नजर आते हैं तो वो कानपुर पुलिस को
सूचित कर सकते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया व पोस्टर के जरिए पुलिस पत्थरबाजों की गिरफ्तारी करेगी और अगर कोई जानकारी देता है तो उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक नंबर जो है वो जारी किया गया है, मोबाइल नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के नीचे वो नंबर है जो सूचना देने के लिए जारी किया गया है। इस नंबर पर आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं अगर आपको ये संदिग्ध कहीं भी नजर आते हैं। पुलिस ने उपद्रवों का पोस्टर जारी किया, साथ ही साथ लोगों से भी मदद की बात कही है। जारी किए गए पोस्टर में पुलिस ने 40 पत्थरबाजों की फोटो लगाई है, ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से जो कानपुर हिंसा में लोग पकड़े गए, पकड़े जाने के अवशेष लोग व्यापारी हो चुके, 40 पोस्टर और जारी हुए हैं, ये मौके पर लिए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फुटेज। ये यहाँ पे घरों के सामने चौराहों पे सरकारी और बे सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनसे जो फुटेजेज हमें मिले थे उन फुटेज को लेकर के हमने एनालाइज करके फोटो में डेवलप कराया है और उन फोटोग्राफ को आज जारी कर रहे हैं। ये पहली किस्त है फोटोग्राफ्स की, आने वाले समय में कुछ और फोटोग्राफ्स हम जारी करेंगे जिनको हम पहचान पा रहे हैं हमारे अपने सोर्सेस के द्वारा, हम उनका फोटोग्राफ जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हम नहीं पहचान पा रहे, हम जनता से मदद मांगते हैं, अमन प्रिय शांति प्रिय जनता हमें मदद करे ताकि दोषियों को सजा दी जा सके, निर्दोष बिल्कुल परेशान न हो। अगर सर बात की जाए तो कई परिजनों ये कह रहे हैं कि हमारे जो बगैर फुटेज के आधार पर उनको फुटेज दिखाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं। देखिए, हम जिनको गिरफ्तार किए हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके वीडियो फुटेज हमारे पास है, हम उन्हें फुटेज दिखा सकते हैं, हमने न्यायालय को वो फुटेज वो फोटोग्राफ दिखाए हैं और हम आगे भी जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे, उनको कानून के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके न्यायालय के सामने ले जाएंगे, किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे, हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। तो हमारे साथ ज्वाइंट चीफ अनंत प्रकाश तिवारी जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि कोई भी निर्दोष हो उसको परेशान नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो दोषी हमने बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब लगातार ये कहा जा रहा था जिस तरह से कि जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं निर्दोषों पर कार्रवाई होगी, उनके लिए भी साफ कर दिया है ज्वाइंट चीफ ने, कोई भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ जो दोषी है उन्हें बिल्कुल बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। यश बिल्कुल विशाल, यहाँ पर हमने ज्वाइंट सीपी को भी सुना और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी कॉल लिस्ट जारी होगी, अगर हम बात करें तो एफआईआर भी करीब 500 लोगों के खिलाफ नामजद जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही साथ अभी एक और लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सरकारी सीसीटीवी फुटेज है या सीसीटीवी जो लगे हुए थे या फिर दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनके द्वारा ये वीडियोज निकाले गए हैं, उसके आधार पर यह पोस्टर जारी किया गया है। विशाल, एक ऐसी भी खबर आई थी कि कई ऐसे लोग थे जो सीसीटीवी को खराब करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कई लोग डर की वजह से भी वीडियोस को डिलीट कर रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए वो कार्रवाई भी की जाएगी, उनके लिए कहा था ज्वाइंट सीपी और सीपी दोनों लोगों का ये कहना है कि इस तरह से जो लोग जिन्होंने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया है उनको सीबीआरएफ पे कब्जे में ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने जब से चौराहे पे ये पोस्टर लगाए गए हैं तब से कहीं ना कहीं लोग उनकी फोटो खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं 40 लोगों के इस पोस्टर पे जो चौराहे पे पत्थर लगा है उस पर फोटो खींची गई है, उस पर लगातार लोग उसकी फोटो खींचने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें पहचानने का दूर से उनको देख भी रहे हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो हिंसा बढ़ती थी इसी चौराहे से लोग आए थे उसका पत्थरबाजी होती है, उसी के बाद से इस चौराहे पर टॉक्सी बढ़ गई थी। और अब देखिए जहाँ जब तक यहाँ पर ये पोस्टर तीन जगह लगाए गए हैं, तीनों जगह जो लोग हैं आप देखता है वो लगातार फोटो अपने फोन से खींच रही है और लोगों को अपने जो अपने सोर्सेज हैं उन्हें ट्रांसफर करने का काम करेगी, जिस तरह से लगातार जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़ सके। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर अगर बात करें तो 1000 लोग अज्ञात हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश भी की जा रही है, अभी सिर्फ 40 लोगों की ही तस्वीरें जो है वो आज जारी की गई हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी काफी कठिन समय भी है और कठिन काम भी है कि ऐसे में सभी को चिन्हित करना, साथ ही साथ एक बड़ी बात कि कोई भी निर्दोष जेल ना जाने पाए इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि लगातार परिजनों का ये आरोप था कि हमें फुटेज नहीं दिखाया जाए। जॉइंट सीपी ने साफ कर दिया कि जिस तरह से जो हम लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि हम तुरंत फुटेज दिखाने को तैयार हैं, हम ऐसे किसी को नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, तो निर्दोष शब्द बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें न्यायालय में तुरंत पेश किया जाएगा। ये भी उन्होंने बात की, क्योंकि जब हम लोग शनिवार की रात, शनिवार के दिन में जब सुबह में जो लोग मेडिकल कराने आए थे जिला अस्पताल में, उन्होंने साफ कह रहा था कि हमारे बच्चों को उठा लिया गया है, हमें फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन अब जॉइंट सीपी ने सब चीजों पर विराम लगाया, उन्होंने कहा कि सबको फुटेज दिखाए जा रहे हैं, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, एक इंसिडेंट जो कल मुझे याद आ रहा है कि कल जब कोर्ट में पेशी हुई थी मुख्य आरोपी के साथ चार और लोगों की, उसमें से एक व्यक्ति ई रिक्शे वाला भी था, वो लगातार इस बात को कह रहा था कि मैं वहां पर सिर्फ मौजूद था। तो ऐसे कई लोग थे जो वहां पर मौजूद थे लेकिन वो शायद हिंसा में ना रहे हों, ऐसे में ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, तो उनके उन लोगों को कैसे परेशानी ना हो या कैसे ये प्रूव हो पाएगा कि वो उस हिंसा में लिप्त थे या नहीं, क्या इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए वो जो जिस ई रिक्शा लेके आप बात कर रही है, परसों घटनास्थल पर ही जहाँ हिंसा हो रही, जहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से उसको पुलिस ने पकड़ा था, उसके साथ तीन अन्य लोग भी थे जो लगातार कह रहे थे हम बेकसूर हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जब वहां पर आपको पता है कि इस रोड पर ईंटे पत्थर चल रहे हैं, तो वहां पर आप पकड़े गए तो आप संदिग्ध भूमिका में पाए जाते हैं, तब उसके आधार पर पुलिस ने ऑन द स्पॉट उन्हें पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी जांच हो रही है, फुटेज खंगाले जाएंगे, जो निर्दोष है उन्हें बिल्कुल कानून के तहत उनके जो भी मदद होगी वो की जाएगी, और हो सकता है जो निर्दोष हो जिनकी फोटो ना मिले और जिनके खिलाफ तो कोई भी किसी फुटेज ना है उन्हें छोड़ा भी जाएगा। लेकिन अगर आपकी फुटेज वहां पर है, आप पत्थर चलाते देखे जा सकते हैं, देखे जा रहे हैं, आपकी जो अगल बगल कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं, उनके आधार पर फोटो ली गई है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उस सबसे बड़ी मदद ली है जो पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं 40 लोगों के, और इन 40 लोगों के पोस्टर के बाद अभी एक लिस्ट और आनी है जैसे जॉइंट सीपी ने कहा, और इसके बाद रिएक्शन मोड पे है, लगातार दबिशें चल रही है, कई लोग अभी भी पकड़े जा चुके हैं, रात के 3 लोग यतीमखाने के पास पकड़े जाते हैं, कुल गिरफ्तारी 38 हो चुकी है। बिल्कुल विशाल, ये जो पोस्टर जारी हुआ है, अगर इसकी हम बात करें, इसमें जो भी लोग मौजूद है, क्या इसकी डिटेल्स पुलिस के पास अभी उपलब्ध है कि ये कहाँ के रहने वाले थे या इनके घर में कौन कौन है, इस तरीके की क्या किसी तरीके की कोई डिटेल अभी तक पुलिस के पास है, या फिर अभी उसे भी पुलिस खंगालना शुरू करेगी? देखिए अभी कोई डिटेल किसी के पास आई नहीं है, पुलिस से कुछ बात सामने नहीं रखी है, लेकिन हो सकता है डिटेल्स आ गई हो, लेकिन ये लोग यहाँ से फरार चल रहे हों, यहाँ अपने घर पे नहीं ना हो, इनकी लोकेशन कहीं और की मिली हो, इसे लगाने का काम किया गया है। यहाँ पर इस चौराहे पर 3 जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग देख रहे हैं, अपने फोन में फोटो खींच रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस भी लोगों से कह रही है कि आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी ओपन नहीं की जाएगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं और बड़ी कार्रवाई करने की पुलिस लगातार बात कर रही है। जो हमारी टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं, उन एरियाज में लगातार गश्त हो रहा है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो लोग यहाँ पर ये बार बार कह रहे थे, जो परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने निर्दोषों को पकड़ा है, तो उनके लिए भी जॉइंट सीपी ने साफ कर दिया कि निर्दोषों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, फुटेज के आधार पर सबको उठाया जा रहा है और फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को एक बार फिर से हम ये पोस्टर दिखा देते हैं। ये वही पोस्टर है जो आज कानपुर पुलिस ने जारी किया है, जिसमें 40 संदिग्धों की तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं और ऐसे चौराहों पे पोस्टर्स के रूप में लगाया गया है, और साथ ही साथ कानपुर पुलिस ने कानपुर की जनता से अपील भी की है कि अगर ये लोग कहीं पर नजर आते हैं तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें कॉल करके आप सूचना दे सकते हैं, साथ ही साथ उनका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी आपको बता दें कि ये पोस्टर अपलोड किया गया है, और लगातार लोग उस चौराहे से भी गुजर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने फिलहाल एक नंबर भी जारी किया है, जिसपे आप उन्हें फोन करके जानकारी दे सकते हैं यदि ये लोग नजर आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन लोगों की डिटेल्स अभी पुलिस के पास नहीं है, और लगातार इनका जो एड्रेस है या उनके घर में कौन कौन है, ये तमाम बातें जो है वो खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी निर्दोष को जेल ना होने पाए, या जो उस वक्त वहां पर मौजूद था लेकिन हिंसा में शामिल नहीं था, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको वो पोस्टर दिखा रहे हैं जो कानपुर हिंसा में लोग लिप्त थे, उनका पोस्टर आज कानपुर पुलिस ने जारी किया है। ये 40 लोगों की तस्वीरें आज कानपुर पुलिस ने जारी की है, साथ ही साथ ये पहली लिस्ट है, अभी और लोगों की तस्वीरें जो है वो जारी की जाएंगी। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जिसमें लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि अगर उन्हें ये लोग कहीं नजर आते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है, साथ ही साथ उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो काफी एक्टिव रहता है, हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, ऐसे में ये पोस्टर भी आज वायरल हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट हैं या जो जिस तरीके से कानपुर हिंसा को लेकर दो समुदाय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी लड़ते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? सोशल मीडिया को लेकर अगर बात की जाए तो उन पर भी 15 लोगों पर 15 हैंडल्स पे है, उन पे कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई कोतवाली थाना अंतर्गत, क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने का काम किया जा रहा था, एक दूसरे को बरगलाने का काम किया जा रहा था, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और लगातार पुलिस कमिश्नरेट की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है, सारे वो हर वो व्हाट्सएप पे के एंगल पर नजर रखे हुए हैं, हर वो उस चीज पर नजर रखे हुए हैं जिससे जो बात की जाएगा ट्विटर की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट। देखिए नया जो ऐप निकल क्या है स्नैपचैट है, क्योंकि उसकी जो चैट है वो 24 घंटे पे अगर आप सेटिंग करते भी हैं तो 24 घंटे में वो डिलीट हो जाती है, आप उसे सेव नहीं करते, तो शायद उसका भी कुछ प्रयोग किया गया है। और जो 141 ग्रुप मिले हैं हयात जफर की व्हाट्सएप से, तो उसको भी उस पर भी नजर की जा रही है। इसमें बकायदा बंद बाजार के बाद कहा जा रहा था कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में वीडियोस आएंगे, तो ये सब उसमें बात की जा रही थी, तो ये भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल विशाल, अगर हम मुख्य आरोपी की बात करें हयात जफर की, तो उसके फोन से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सुराग मिले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे कि आपने बताया कि कई सारे भरे हुए थे और तमाम तरीके की बातें कही जाती थी, साथ ही साथ CA NRC में भी कहीं ना कहीं बहुत विवादों में रहा है ये हयात, तो इसको लेकर अभी और क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए बिल्कुल, इतिहास बहुत पुराना है, कई 9 मुकदमे दर्ज थे पहले से ही इनके ऊपर, उसके बाद ही लगातार हिंसा भड़काने का ये काम कर रहे थे। MM जौहर फैंस एसोसिएशन के नाम से इन्होंने अपना एक संगठन बना रखा था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे, और इनके साथ साथ और 3-4 संगठन हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लगातार हयात जफर हाशमी की बात अगर की जाए तो उन पर CFI कनेक्शन के भी आरोप लग रहे हैं, उनके संगठन को फंडिंग की जा रही है, एक छोटा सा कंट्रोल चलाने वाले हयात जफर के पास बताया जाता है अटूट संपत्ति है, जिस पर भी लगातार निशानदेही की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में उसने ये बात कही है कि उसका मनसूबा ये था, जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो VVIP प्रोटोकॉल था तो अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा किया गया और उसमें हम बहुत हद तक साकार भी हुए, तो ये सब सूत्रों की माने तो ये उसने सब पूछताछ में बोली, पूछताछ में कहा। जी बिल्कुल, PFI कनेक्शन की अगर बात करें तो वो भी लगातार निकलकर सामने आ रहा है, क्या इसको लेकर कोई सुराग अभी तक पुलिस को मिला है? अभी तक कोई सुराग की अगर बात किया कुछ ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन फंडिंग को लेकर इनके बैंक स्टेटमेंट खंगाले जा रहे हैं, बकायदा कॉल डिटेल्स दी जा रही हैं और इनके आसपास के लोगों से बात की जा रही है और वो संगठन निशाने पर लिए जा रहे हैं, तो संगठन ने लगातार इनके साथ थे, इनके साथ उस भारत बंद में भी, माफ करिएगा, जो बाजार बंद में भी इन्होंने आह्वान किया था, उन जो उन संगठनों की मदद दी थी उसको भी देखते देखते उन सब पे एक रडार बनाया गया है, क्योंकि उनको रडार पे लेकर उनकी जांच की जा रही है, उनके पूरे अभी तक के 4-5 दिन या 1 तारीख से लेकर अभी तक के पूरी डिटेल उनकी छानी जा रही है और लगातार ये कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि जो भी मामले में कोई भी संलिप्त पाया जाए, चाहे लाख सफेद पोस्ट हो, चाहे लाख कोई कुछ भी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं लगातार इस पर जांच की जा रही है, देखना होगा और क्या कुछ अपडेट इस पे निकल कर सामने आते हैं, आप नजर बनाए रखिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार हम आपको ये पोस्टर दिखा रहे हैं, कानपुर में हुई हिंसा में लिप्त 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है, ये पहली लिस्ट है, अभी और लिस्ट आनी बाकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें वो कहीं नजर आते हैं तो